श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अमृतानुभव ऑफ संत ज्ञानेश्वर, इसके बारे में एक दो चीजें जानना आवश्यक है। पहली बात, संत ज्ञानेश्वर नाथ संप्रदाय के थे। नाथ संप्रदाय माने जो शुरू हो गया था मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ इस संप्रदाय के, और इस संप्रदाय की जो नींव है उस नींव का नाम है चिद्विलास या अद्वैय वेदांत और अद्वैय ईश्वरवाद। और इस पंथ से जाने वाले और जो शंकराचार्य जी के वेदांत के अनुसार चलने वाले हैं, इन दोनों में हमेशा यही खटपट चलती रहती है। शंकर वेदांती कहते ये सब कुछ मतलब नहीं इसका, और जो ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो कहते शंकराचार्य के लोग केवल गाल बजाते हैं। देखो तो ये इसका कारण यही हो सकता है, दोनों ने भी एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं किया। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और ये कहते हैं सब कुछ परमात्मा है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म। रख लो अम्मा आपको जो रखना है। और इन दोनों का अर्थ एक ही निकलता है यदि थोड़ा चिंतन करे तो। जब हम किसी को मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे इंद्रधनुष मिथ्या है, प्रतीति है, दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको कहते प्रतीति। तो इस इंद्रधनुष को लेकर के हमारी क्या इंटरेक्शन होती है? इंद्रधनुष को देख करके हम खुश हो जाते हैं, दुखी नहीं होते। यार यार सुबह सुबह उठे थे 6 बजे इंद्रधनुष दिखा। तो इंद्रधनुष को देखकर हम खुश हो जाते हैं, दुखी नहीं होते। दूसरी बात, इंद्रधनुष को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती कि थोड़ा सा एक पीस काट करके अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, नहीं। तो तात्पर्य क्या निकला, जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है उसको लेकर के ना तो हम दुखी होंगे ना तो हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। ये अर्थ है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस तत्व का। लेकिन ये दूसरे मार्ग वाले जो है वो कहते जगत मिथ्या है तो फिर क्यों इधर उधर जा रहे हो। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में एक ही जोक था, कभी उन्होंने जोक नहीं किया, हमेशा गंभीराचार्य बन के रहे। तो जब उन्होंने योग वशिष्ठ में सुना सब मिथ्या है मिथ्या है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पीछे एक हाथी को दौड़ाया। वशिष्ठ जी अपना लुंगी कमंडलू खड़ाव लेके दौड़ रहे और फिर बगल में चले गए, हाथी सीधे चला गया। फिर राम भगवान कहते कि भगवान आपने कहा सब कुछ मिथ्या है, बोले हाँ मिथ्या है। तो फिर वो जो हाथी दौड़ रहा था आपके पीछे तो आप क्यों भाग रहे थे? तो बोला किसने कहा कि मैं भाग रहा था, फिर वो दौड़ना भी मिथ्या था। देखो मिथ्या शब्द का अर्थ ये नहीं है कि उसका अनुभव नहीं होगा।
मिथ्या शब्द का अर्थ है कि इस जगत के किसी भी वस्तु के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं बचेगा और इसीलिए कोई इच्छा नहीं होगी और इसीलिए जगत को देख करके दुखी भी नहीं होगे। जो दुनिया को देख करके दुखी होते हैं वो वैसे ही है, टीवी का सीरियल देखते हैं और रोते हैं। उन लोगों को टीवी में रोने के लिए पैसे मिलते हैं और तुम पैसे दे के रो रहे हो, बेवकूफी को कोई लाद होती है? देखो, इसलिए मिथ्या शब्द का ही अर्थ है। दूसरा मिथ्या शब्द का अर्थ है जो जो अनुभूति हमको एक परिस्थिति विशेष में होती है, यदि वो परिस्थिति विशेष नहीं हो तो अनुभूति नहीं हो सकती, ऐसे अनुभूति को मिथ्या कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष का ही उदाहरण लो, इंद्रधनुष परिस्थिति विशेष में दिखता है, रात को नहीं दिखेगा, शाम को नहीं दिखेगा, दोपहर को नहीं दिखेगा। ऐसा समय होना चाहिए कि जब सूर्य की किरणें एक पर्टिकुलर एंगल में हो, वहां बौछार हो रही हो, तब जाकर के दिखता है। और देखने वाला भी चाहिए, कोई होगा नहीं तो कौन देखेगा उसको। तो ये सब परिस्थितियां जब होती है तब उसको सत्य कहते हैं या उसकी प्रतीति होती है। अब अपने जगत के जीवन का अनुभव ले लो, कि जगत का अनुभव हमको कब आता है? पहली आवश्यकता कि हमारा देह के साथ तादाद में हो, हम जिंदा हो ये आवश्यकता नहीं, देह के साथ तादाद में आवश्यकता है। देखो, एक गुजराती के घर मुझे खाने को बुलाया बम्बई में, और खाना खाने के बाद फ्री कुछ नहीं होता, बोले हमारी दादी माँ बीमार है, आप उसको आशीर्वाद करो। आज तक मुझे पता नहीं चला आशीर्वाद करने को क्या कहते हैं। तो हम गए, वो कोमा में पड़ी थी, थोड़ी देर के लिए मैंने नाटक किया और उसके पश्चात फिर दो दिन के बाद वो मुझे मिलने आए, स्वामी जी आपने हमारी दादी माँ को अब उसके दुख से हटा दिया, हम उसके दुख नहीं देख सकते थे, 6 महीने से पड़ी थी कोमा में। हमने कहा देखो, तुम किसी और को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। जो व्यक्ति कोमा में होता है वो कभी दुखी नहीं होता, जिनको बिल पे करने होते वो दुखी होता है, मरते भी नहीं। देखो, तो उसमें जीवन है लेकिन देह के साथ तादाद में नहीं है। देखो संतो, उसको कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। अब सर्वम खल्विदम ब्रह्म जब कहेंगे सब कुछ परमात्मा ही है, उसका क्या अर्थ होगा फिर? सब परमात्मा है तो हम भी तो उसमें आ गए कि हम बाहर रखे परमात्मा के? देखो, तो किसी को भी अपनी स्वयं की इच्छा नहीं होती, इच्छा हमेशा अन्य की होती है। देखो, तो जगत को मिथ्या कहो तो आपको इच्छा नहीं होगी, जगत को आत्मरूप से ग्रहण करो तो आपको इच्छा नहीं होगी। तो दोनों का तात्पर्य तो एक ही निकला ना, कहां झगड़ा है दोनों में? लेकिन झगड़ा इसलिए होता है, एक गिलास में आधा दूध भरा हुआ था, आधा गिलास दूध, दो लोगों ने देखा, एक ने देखा अरे रे आधा गिलास खाली है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं आधा गिलास भरा हुआ है, तीसरे ने कुछ बोला नहीं, आके पी गया और गिलास फोड़ दिया। ये दोनों झगड़ते रह गए। देखो संतो, इसीलिए इस नाथ संप्रदाय में जो कहते हैं संपूर्ण जगत परमात्मा ही है उसकी सेवा करो, या वेदांत में जो कहते हैं शंकर वेदांत में कि यह जगत मिथ्या है उसको लेके परेशान मत हो, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य इस अद्वैत ईश्वरवाद के अनुसार, नाथ संप्रदाय के अनुसार चलने वाले थे। एक होता है नाथ संप्रदाय जिसमें योग की और कुंडलिनी की मुख्य बात होती है। जो पतंजलि का योग शास्त्र है उसमें कुंडलिनी की बात नहीं है,
पतंजलि केवल शरीर को घुमाने में ही बैठा हुआ है, तो वो कुंडलिनी की बात नहीं करेंगे। यहाँ कुंडलिनी की जागृति, उसकी शक्ति और उसको समझने की बात है। इसीलिए 4-6 स्टेजेस से साधक को जाना पड़ता है। पहले विषय, फिर इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर चेतना, फिर परमात्मा की अनंत शक्ति, फिर परमात्मा। परमात्मा की अनंत शक्ति जब व्यक्तिगत रूप से कही जाती है तब उसको कुंडलिनी कहते हैं, और जब परमात्मा की शक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं समष्टि रूप से कही जाती है तब उसको माया शक्ति, अव्याकृत, अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति, ये सब शब्द उसी तत्व को बताने के लिए। तो इस प्रकार से पहले हमको जगत से उपरत होना है, फिर इंद्रियों से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, फिर चेतना से परे चले गए, अपनी कुंडलिनी शक्ति में आ गए। यहाँ आने के बाद मुख्य रूप से जो सिद्ध महात्मा होते यहाँ रह जाते, फंस जाते, क्योंकि जब शक्ति आप पे प्रकट होती है तो जब तक आप शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक आपको तसल्ली नहीं होगी। देखो, एक बार दिल्ली में मैं किसी की शादी में गया था, तो एक हमारे मित्र आए बढ़िया कपड़े कुपड़े पहन करके, और उनके गले में सोने का बड़ी मोटी जंजीर थी, जैसे कुत्ते को बांधते हैं वैसे मोटी की मोटी, कुत्ते को लोहे से बांधते, आदमी को सोने से बांधते हैं, तो दोनों कुत्ते ही। तो आधी बाहर थी आधी अंदर थी लगाया हुआ था, तो मुझे क्या मालूम वो स्टाइल होती है। तो मैंने उसके बटन खोली और इसको अंदर डाल दिया है था ना, अब ठीक है, स्वामी जी कोई देख नहीं सकता इसको, अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज है, उसको दिखाने का कितना हमारा होता है, दुनिया को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। देखो, एक कहानी हमने बताई थी, एक सज्जन बड़ी तपस्या करी, ध्यान से सुनना, तपस्या का फल सिद्धि है, तपस्या का फल मोक्ष नहीं है, ज्ञान का ही फल मोक्ष है। इसीलिए आप देखेंगे ये तपस्वी लोग जो होते हैं इनमें सिद्धियां होती है और साथ साथ क्रोध होता है। दे आर द मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स, इसको शाप दे दिया, उसको शाप दे दिया। देखो, तो यह जो शक्ति प्रकट होती है उस शक्ति को हम बता करके दुनिया को उसमें फंस जाते हैं, कोई भी छोटी सी शक्ति हो। एक सज्जन, उन्होंने कहीं ये संगीत या गाना सीखने का प्रयत्न किया, हम क्या खाने के लिए गए और हमने कहा अम्मा जल्दी लगाओ, बोले स्वामी जी 15 मिनट और लगे, कोई बात नहीं मैं अखबार पढ़ता हूँ। बोले नहीं अखबार नहीं स्वामी जी, मैं हारमोनियम ले आता हूँ। हमने कहा देखो यार मुझे पैसे मतलब नहीं, कोई बात नहीं, वो डाइनिंग टेबल पर ले आए और फिर शुरू कर दिए कि मैं उन्होंने बोला कि देखो मैं नहीं गाता। बोले नहीं मैं गाता हूँ। बाप रे, किसी को टॉर्चर करना हो तो किसी से गाना सुनो, ये दो व्यक्ति जो होते हैं उससे बच के रहना चाहिए, एक कवि और दूसरे गायक। तो उन्होंने वो खोला और हवा भरने लगे, हवा जाती नहीं अंदर। ये पत्नी को कहा क्या कर दिया तुमने, क्यों नहीं हवा जा रही। बोले फेंको डब्बे को, सुबह से शाम तक बह बह करते रहते, घर में सब शांति खत्म हो गई। फिर मैं कहा महात्मा जी आपने वो की होती है सामने की, उसको खींचना पड़ता है, तो हाँ मैं भूल गया, और एक्साइटमेंट जोर से खींची की हाथ पे आ गया, गाना बजाने जा रहे। देखो महाराज, तो ये सिद्ध महात्मा जो है इसी में लगे रहते हैं, जगत का भला भी करते हैं, नो डाउट, लेकिन उसी में लगे रहेंगे। आप देखेंगे इसीलिए सिद्ध महात्माओं की समाधियां होती है,
और वो कहेंगे मेरे मरने के बाद भी तुमको मेरे से प्राप्ति होगी। तो सवाल ये, मरता कौन है, कौन मरा? तो यह जो दो मार्ग है, एक में कुंडलिनी को जागृत करके शक्तियों को प्रकट होना, जगत का भला करना, और दूसरा है कुंडलिनी को जागृत करके उसके परे चले जाना। जैसे इस जगत में रहते समय नाम हो, रूप हो, प्रगति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो आदमी उसमें फंस जाता है, वही भगवान की माया है। इसी प्रकार से अंतर जगत में जो भगवान की माया है वो है ये भिन्न भिन्न सिद्धियों का प्रकट हो जाना, और इसीलिए अपने आप को बचा के रखना है। देखो इसको लेकर के एक प्रसंग आता है ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में। उनको ये जो कुमार थे उन्होंने भी दवा देने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि ये सन्यासी के पुत्र है, तो अब रोटी कैसे बनाए, बड़े दुखी थे। तो फिर उन्होंने अपनी बहन को मुक्ताबाई को कहा कि तुम फिक्र मत कर, आटा गुना मैं अपने पीठ पर लगाऊंगा रोटी। उनमें सब योग शक्ति थी और रोटी बना के उनकी पीठ पर लगाई, उन्होंने योगाग्नि को जागृत किया और रोटी बन रही है। जब ये बात हुई तो उनके जो गुरु थे बड़े भाई निवृत्तिनाथ, उन्होंने कहा कि देखो तुम ये गलत काम के लिए उपयोग कर रहे हो। देखो महाराज, शक्ति हो और उसके फंदे में नहीं फंसना बहुत कठिन होता है, इससे अपने आप को बचाना है। इसीलिए उन्होंने इस मार्ग के साथ साथ भक्ति का बहुत ही आह्वान किया है। भक्त वो है जिसको अभिमान नहीं होता, जिसको अभिमान होता है वो विभक्त है। तो ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवद गीता पर टीका बोली, एक सच्चिदानंद स्वामी थे उन्होंने उनको लिखा, और वो कौन थे, वो भी एक सज्जन थे और उनका मृतदेह जा रहा था, उनकी पत्नी रो रही थी, तो उन्होंने उस पत्नी को न जान करके कहा कि अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव, बोले कैसे कह दिया आपने, रोने लग गई। बोले क्यों रो रही आप, बोले आपके शब्द झूठ हो जाएंगे इसलिए क्योंकि मेरे पति का अभी शव गया है। बोले कैसे हो सकता है, जब मैंने कहा था हो ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने उसको जगाया, फिर वही सच्चिदानंद बाबा बन गए और उन्होंने लिखाण किया। तो भगवद गीता पर जब उन्होंने बड़ी सुंदर टीका लिखी 9000 कपलेट्स की, तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि भगवान ने क्या कहा ये तुमने कहा, तुमको अपना अनुभव सुनाओ ना। देखो तब उन्होंने ये अमृतानुभव लिया, और इसमें तत्व का प्रतिपादन पूर्ण रूप से बड़ा विस्तृत और सूक्ष्मता से हुआ है। और इसमें जहां जहां हम लोग फंस जाते हैं वहां से हमको निकालने का प्रयत्न किया गया है। तो ऐसे यह जो अमृतानुभव है, इसमें पहले तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी है संस्कृत में, और उसके पश्चात जितना भी लिखा है वो उस समय की मराठी में लिखा है। इस समय की मराठी उस समय मराठी में बहुत फर्क है, कई बार शब्दों समझ भी नहीं आते क्या कहा है। तो पहला अध्याय में कहते हैं, इसका नाम है शिव शक्ति समावेश। यदक्षरमनाख्येयम् आनंदमज केवलम श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम दैवतमाश्रये। कोई भी तत्व का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति पहले परमात्मा को गुरु का स्मरण करता है, क्योंकि परमात्मा के गुरु के स्मरण से हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाती है और उसके बाद ही ठीक काम हो सकता है। तो उन्होंने ये जो कहा है बड़ा सूक्ष्म तत्व है इसमें, यत अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। कौन नष्ट नहीं होता, कई लोगों का होता है कि
महाराज हमारे गुरु महाराज तो चले गए, अब आप हमारे गुरु हो जाओ। हमने कहा खबरदार मेरे पास आएगा तुम मुझे भी मारोगे। जो मरता है वो गुरु नहीं होता। देखो बाहर जो दिखता है वो शरीर है, और गुरु जो होता है वो शिष्य के हृदय में प्रकट होता है। बाहर का गुरु आपको केवल रास्ता दिखाएगा और अंदर का गुरु आपके हाथ में अनुभव देगा। जैसे बाहर का खाना आपको तसल्ली देगा, चलो खाना तो आ गया अब शुरू कर दो, श्री आनंद में मात की जय, जल्दी जल्दी गुरु खाना बाहर आ गया। लेकिन वही खाना जब पेट के अंदर जाएगा, जहां भूख होती है वहां गया, तब जाकर के क्षुधा शांति होगी। इसी प्रकार से बाहर का व्यक्तित्व जो है वह गुरु है निश्चित। जैसे थाली में रखा हुआ खाना निश्चित ही खाना है, जब तक तो बाहर ही रहेगा तो कुछ नहीं होगा, उसको हृदय में प्रकट होना है। तो गुरु का हृदय में प्रकट होना माने क्या? बहुत सिंपल बात है, सब तो कठिन नहीं है। अपने हर एक अनुभूति से सीखना, यह एक अपनी साधना बना ले। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। इसी के कारण से हम कहीं भी प्रश्नोत्तरी को एंटरटेन नहीं करते, विशेष करके बुढ़ाऊ लोग हो, उनको एक भी प्रश्न नहीं होता, केवल कंप्लेन ही कंप्लेन होती है। देखो इससे कुछ नहीं होगा। तो अपने हर एक अनुभूति से यदि हम सीखना प्रारंभ करें, कि जैसे आप जब सुबह उठते हो तो आपको आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो फिर जाकर के महाराज जी मुझे आलस आता है, मैं क्या करूं? ठीक है तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगा। देखो आलस से कुछ नहीं होता है। डोंट कंप्लेन, पहला सिद्धांत जीवन का। फिर उसके ऊपर अनुसंधान करो कि आपको सुबह में आलस आता है, कुछ करने का नहीं। सोचो आपने, आप सोने के पहले क्या क्या किया था, और सोने के पहले मैंने नाक तक खाना दबा के खाया था, और इसके अच्छा ठीक है फिर कल से थोड़ा सा खाना खाएंगे। कितने बार? एक ही बार, बार नहीं। जब व्यक्ति अपने इन अनुभूतियों से सीखने लग जाता है, तब वो अनुभूतियों के परे चला जाता है, अपने उपाधियों के परे चला जाता है। तो यत अक्षरम, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो एक एक शब्द जो है वो ध्यान का श्लोक है, एक एक ध्यान का शब्द है। अक्षरम, जिसका क्षरण, जिसमें नाश कभी नहीं होता। आप ढूंढो क्या किसका नाश नहीं होता? जीपीएस लगा है, उससे कुछ नहीं होगा। देखो किसका नाश नहीं होता। सूक्ष्मता से चिंतन करोगे तो परमात्मा का भी नाश नहीं होता, हमारा भी नाश नहीं होता, जगत का भी नाश नहीं होता। नासतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। जो है वो है, उसका नाश नहीं होगा। जो नहीं है वो नहीं है, उसका भी नाश नहीं होगा। देखो जो सत्य है, सत्य वही है त्रिकाल अबाधित वस्तु, उसका कभी नाश नहीं होगा। जो नहीं है उसका कैसे नाश होगा? और जिसका नाश नहीं हो रहा है वो दुखी हो रहा है, मरने के बाद क्या हो? मर के तो देखो। देखो महाराज, अक्षरम, तो ये बात हो रही है, नहीं अपने बारे में बात हो रही है। किसी बादलों के ऊपर बैठे हुए भगवान की बात नहीं हो रही है, यद अक्षरम। देखो तो रूप रंग हमेशा ऐसे ही रहे हैं, इसमें कोई नाश नहीं हुआ। इंद्रिय हमेशा ऐसे ही रहे हैं, हमारे भरे भी नष्ट हो जाए दूसरे को तो है ना, तो इंद्रिय नाम की वस्तु ज्यों की त्यों है,
मन भी ज्यों का त्यों है, उसका भी नाश नहीं होता। और अगली स्टेप, जो प्रतीत होता है उसका नाश नहीं होता। देखो, एक उदाहरण से समझ लो, आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका अनुभव भिन्न है, और एक पक्षी दर्पण के सामने खड़ा हो तो उसका अनुभव भिन्न है। उसके लिए वो प्रतिबिंब सत्य है और उसके साथ झगड़ा करना शुरू करेगा। अब उस पक्षी ने सोचा, मैं साधना करके इस दुनिया को बदल डालूंगा, फिर शुरू कर गया धर्म और दान धर्म, लोगों को खाना खिलाना, उससे नहीं हुआ। फिर योगासना शुरू किया, उससे नहीं हुआ। फिर प्राणायाम किया, उससे नहीं हुआ। फिर पानी से धोया उस दर्पण को, उससे नहीं हुआ। पोछा नहीं हुआ, अभी भी है वो। चाहे कुछ भी करे उसका नाश नहीं हो सकता। नाश इसलिए नहीं हो, जो है ही नहीं उसका क्या नाश होगा। अब इसको अपने में ले आओ। एक लड़की मुझे मिलने आई थी, उसकी ये समस्या, अमी जी हमारे घर में कोई फंक्शन है और उसमें मेरी माँ ने कहा तुम नहीं रह सकती, तुम चली जाओ, क्योंकि ये फंक्शन केवल सौभाग्यवती लड़कियों के लिए होता है। तो मेरा डाइवोर्स हो गया, तो कहती है कि तुम नहीं रह सकती, तुम सौभाग्यवती नहीं हो। तो मैंने कहा लेकिन वो मरा नहीं, जिंदा है अभी। बोले वो मुझे मालूम नहीं, तुम सौभाग्यवती नहीं हो, चली जाओ। तो मेरे पास आई, स्वामी जी मुझे बताइए क्या करूँ मैं, शादी कर लो, सौभाग्यवती हो जाओ। अब उसका सवाल ये था कि डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है। चिंतन करो, पति पत्नी नाम की कोई चिड़िया है क्या? इसीलिए अंग्रेज लोगों को प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आप लोगों के यहां हिंदू लोगों में ये जो शादीशुदा लेडीज होती है वो .com लगाती है और आदमी नहीं लगाते, ऐसा क्यों? हमने कहा लड़कियों को .com लगाने का तात्पर्य है कि तुम्हारा चांस गया, नाउ यू डोंट ट्राई। और आदमी को जरूरत ही नहीं, चेहरे से ही पता चलता है शादी हो गई इसकी। और दुखी होने वाले कौन है? ये पति पत्नी जो कहीं नहीं है, ये सास बहू कहा, ये दिखाओ। यत अक्षरम, तो बात हमारी हो रही है, हम सोचते अच्छा भगवान अक्षर है, वो अक्षर धाम वाले तो नहीं। यत अक्षरम फिर अनाख्येयम, आख्या व्याख्या माने वर्णन, ख्या से ही ख्याति शब्द होता है, ख्या धातु से ख्याति। तो अनाख्येयम जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। देखो किसका वर्णन नहीं हो सकता, जो शब्द और मन के परे है उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो आप धीरे धीरे चलो, पृथ्वी का वर्णन बड़ा विस्तार से होगा, पानी का कम, उसके बाद अग्नि का और कम, वायु का और कम, आकाश का वर्णन करोगे तो क्या करोगे। और ये आकाश जिस मन से निकला है उस मन का वर्णन क्या करोगे, और ये मन जिस चेतना की अभिव्यक्ति है वो चेतना का क्या वर्णन करोगे, और ये चेतना जिस कुंडलिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है उस शक्ति का क्या वर्णन करोगे। इलेक्ट्रिसिटी का वर्णन करके दिखाओ, लाल होती है, पीली होती है, चौड़ी होती है, लंबी होती है, ठंडा होती है, गर्म होती है, बड़ी टेस्टी लगती है, डायरेक्टली यहाँ लगा लो। देखो जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सभी गुणों के परे है, गुण प्रकृति में है, शक्ति में नहीं है। जैसे प्रकाश और गति, ये बिजली में नहीं है, ये उपाधियों में है। इसीलिए अनाख्येयम, जो
मन बुद्धि वाणी के परे है वो है। अब इसकी क्या साधना करें, कैसे पहचाने, बोलना बंद करो, अना के पहुंच गए। जो मन का विषय नहीं है अपने आप से बोलना बंद कर दो। जगत माने नाम रूप, रूप होता है बाहर, नाम होता है हम में। साधु संत कहानी बताते हैं, जब जीव को बना के भेजा भगवान ने तो जीव रोने लग गया, पापा पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। बोले नहीं तुमको जाना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ दे दो। बोले ऐसे करते हैं, रूप में अपने साथ रखता हूं, नाम तुमको देता हूं। तुम जब नाम से पुकारोगे तो रूप प्रकट हो जाएगा। तो नाम रूप यही जगत है। तो अनाख्येय का मतलब क्या हो गया फिर, जब हम नाम रूप के परे चले गए और नाम रूप की में से नाम हमारे हाथ में, रूप हमारे हाथ में नहीं है। देखो आपको कैसे बच्चा पैदा हो गया आपके हाथ में थोड़ी है, आपको कैसा सपना आने वाला है पता नहीं। तो रूप हमारे हाथ में नहीं, नाम हमारे हाथ में है। और इसीलिए या तो हम बोलते हैं दूसरे से या तो बोलते हैं अपने आप से। इस मशीन को बंद कर डालो, और अन्य से बोलते हैं अपने भूतकाल के बारे में या उसके भूतकाल के बारे में पूछते हैं, और जब अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य के बारे में। यहां इन्हीं लोगों ने यदि यही चाय बुलाकर बुलाते हैं तो हमको नीचे नहीं जाना पड़ता, वहां भी भीड़ हो जाती, जल्दी जल्दी खाना, फिर 9 बजे, कोई गैप ही नहीं बीच में। मेडिटेशन, ये दो चीजों से अपने आप को बचा। आपने अनाख्येय शब्द का अर्थ ग्रहण किया है, जो तो केवल शब्द मात्र रहेंगे। जैसे रसगुल्ला रसगुल्ला खाने से मुंह में मिठास नहीं आती, तो यद अक्षरम अनाख्येयम फिर आनंदम। आनंद का तात्पर्य है, देखो शास्त्रीय पद्धति से बता रहे हैं आपको, आनंद माने जिस अनुभूति में किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं होता। परिच्छेद माने लिमिटेशन, जैसे रूप का अनुभव। रूप का अनुभव कब होगा, जब वो वस्तु, रूपवान वस्तु पर प्रकाश पड़ा हो, हमारी आंखें खुली हो, वो वस्तु हमारे आंखों के सामने हो, हमारे आंखों में दृष्टि हो और दृष्टि के पीछे मन हो, तब जाकर के उसका दर्शन होगा। कितनी चीजें आ गई। अब कहते हैं आनंदम का मतलब क्या है, जहां किसी की भी कोई अपेक्षा नहीं है, जो निरपेक्ष अनुभूति है उसको आनंद कहते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं तीन प्रकार के आनंद है। पहले सात्विक आनंद, अभ्यासाद्र मते यत्र दुखातम च निगच्छति तत् सात्विकम प्रोक्तम। कोई भी आप काम करो अभ्यास से, नियम से उसको करते रहो तो बड़ा अच्छा लगता है। आई नॉट लाइक अदर, हम जल्दी उठ जाते हैं, नहा धोकर के फिर सो जाते हैं। अभ्यास उसका आनंद सात्विक प्रकार का होता है, लेकिन है गौण ही, वो गुणों का ही है, वो ब्रह्मानंद नहीं है। दूसरा आनंद होता है इंद्रियों के साथ भोग करने से, विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम श्रुतम। खूब बढ़िया मिर्च मसाले खाओ और खाते समय तो खूब मजा आ रहा है, मुंह से नाक से हर छेद से पानी निकल रहा है, और बाद में जाकर के सभी छेदों में आग लगी है, परिणाम में विषम ही हो तत्सुखम। इसीलिए ये मिर्ची जो होती है ना, कई लोगों को पता नहीं, मिर्ची स्वाद नहीं है, पंजेंसी इज नॉट ए टेस्ट, मिठास ये रस है, खट्टापन ये रस है,
और नमकीन ये रस है, मिर्ची का जो पंजेंसी होती तीखापन वो रस नहीं है। आपने मीठा खाया और नीचे से निकल गया तो मीठा अनुभव होता है क्या? और खूब मिर्ची खाओ नीचे से निकली, कारण क्या है कि मिर्ची यह रस नहीं है। देखो इसीलिए परिणामे विषमी वो राजसिक सुख हो गया। और तीसरा होता है हम लोगों का सुख, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्सुखम तामसम श्रुतम। निद्रा आलस्य प्रमाद, पड़े रहे हैं बस यही प्रॉस्पेरिटी है। मैक्सिमम चॉइस मोर प्रॉस्परस, मैक्सिमम लेजीनेस मोर प्रॉस्परस, ज्यादा नौकर घर में मोर प्रॉस्परस, बहुत पैसा मोर प्रॉस्परस, और जीवन सुअर के जैसा पड़े है। अरे राम राम राम। देखो महाराज इससे हट जाओ, या तो हम अपनी गलती को सुधारे, नहीं तो भगवान तैयार है सुधारने को अपनी गलती। मेरी गलती हो गई, तुमको मैंने मनुष्य बनाया, अगले जन्म में सुअर में चले जाओ, कोई बात नहीं। देखो इसीलिए आनंदम माने जो किसी पर भी कोई भी कारण से अवलंबित नहीं है, माने जिस आनंद में ज्ञाता ज्ञेय भोक्ता भोग्य यह द्वैत का अभाव है, उसको कहते हैं आनंद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और यह आनंद अनंत होता है, ये निर्मित नहीं है। बाकी जितने भी आनंद है प्रकृति के क्षेत्र में आने वाले सत्व रजस तमस के जो आनंद है वो निर्मित है, इसीलिए थोड़े समय के लिए रखते हैं फिर निकल जाते हैं। देखो इसीलिए जो लोग आलसी होते हैं उनको लगता है कि हमको जो है सब कुछ मिल गया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो यदक्षरम अनाख्येयम आनंदम अजम, अगला शब्द बता दे। अज माने ज माने जन्म, अज माने जिसका जन्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो जन्म हुआ था 31 अप्रैल को। अब कितनी सरल बात है, किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है फिर भी उसी में फंसे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो में, नवसारी में पैदा हुआ था, सभी गुजराती नवसारी में पैदा हुए, पता नहीं क्यों। मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया अमेरिका में। देखो किसको पूछो भी, एक जगह में बड़ा फंक्शन था, हमको भी बुलाया था, स्पेशल डिनर था। बोले क्या खास बात होगी, बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं क्या? बोले नहीं स्वामी जी, हमारा सिटीजनशिप हो गया अमेरिका का, उस सिलसिले में हमने पार्टी दी है। तो मैंने आगे कुछ पूछा नहीं, फिर शुरू कर दिया उन्होंने। तो हम वैसे रहने वाले नवसारी के, वहाँ कुछ नहीं था प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी, तो हम अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद में भी मज़ा नहीं आया, फिर मुंबई चले गए। मुंबई में थोड़ी देर रहे वहाँ 2-4-10 साल, लेकिन वहाँ भी ऐसे लग रहा कि अब हम स्टंटेड हो गए। फिर अमेरिका आ गए, फिर यहाँ आकर के पहले हमने काम किया ग्रीन कार्ड लेना है, खूब मेहनत करी ग्रीन कार्ड लिया, फिर बढ़िया सब चलता रहा। और फिर दूसरा ट्राई किया हमने, अब हमको सिटीजनशिप लेनी है और लेके रखी है। बाबू जी आपकी उम्र कितनी हो गई? नहीं आप तो हो गए 68 साल के, 70 साल के, अब इसके आगे क्या है? नवसारी जाना है। पूर्ण बदहा पूर्ण विदम पूर्ण, जैसे होता है ना कि कौवे की दौड़ गंदगी तक, उसी प्रकार से घूम घाम करके घर के बुद्धू लौट के आए, यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। देखो अजम, ना कभी जन्म हुआ है ना कभी बढ़ रहे ना कभी मरना है। हमने आपको इसलिए जो बताया था ना, इसको केवल ध्यान देना,
रोज एक नियम बना लेना, आज हमको एक चीज कम से कम सीखनी है, और नोट करो आज क्या सीखा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, पहली बात आप ये सीखोगे कि आपको अपने जन्म का अनुभव नहीं है। व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार में गए और वेदांति बन गए। वहां पूछा आपके इंटरव्यू में, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, अजो पी सन 90। देखो ऐसा नहीं, व्यवहार में व्यवहारिक बातें करें। तो अजहा जिसको जन्म का अनुभव नहीं, जन्म नहीं तो मृत्यु कैसे होगा। देखो अजहा और अजम केवलम, केवलम का तात्पर्य है केवल माने ओनली। जैसे चेक लिखते हैं ना लोग, 1000 रुपये ओनली, फकत, उससे ज्यादा नहीं कम भी नहीं। तो केवल माने एकमात्र, वो ऐसा एक है कि जिसको आप बढ़ा भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते। देखो ऐसे समझो, आपको एक पुत्र है तो आपने उस पुत्र का इंट्रोडक्शन करवाना तो कैसा करेंगे, ये कहेंगे क्या ये मेरा बड़ा लड़का है। एक ही तो है, बड़ा छोटा क्या है इसमें। इसी प्रकार से जो केवल एकमात्र है उसको कहते केवल। केवल का दूसरा अर्थ है जिसमें अनेक प्रकार के भेद का अभाव है, बहुत सारे भेद होते हैं। एक को कहते हैं विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वगत भेद, तीन भेद हैं। विजातीय भेद माने पेड़ पौधे और जानवर भिन्न भिन्न जाति के हैं, विजातीय भेद। जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है, उसमें मत फंसना, उनके लिए छोड़ दो। तो जाति माने आकार, पशु जाति और वनस्पति जाति अलग अलग है, विजातीय भेद। सजातीय भेद, सभी के सभी पशु हैं, एक घोड़ा है, गधा है, बकरी है, एक ऊंट है, तो ये हो गया सजातीय भेद। स्वगत भेद माने एक ही गाय है, उसके मुंह उसका पेट नहीं है, उसका पेट उसके पैर नहीं है, पैर उसके कान नहीं है, ये स्वगत भेद हो गया। तीनों प्रकार के भेद जिसमें नहीं है, अब देखो किसमें नहीं है वो, तो आपको पता चलेगा आप में कोई भी भेद नहीं है। रूप रंग में भेद है, ध्यान से सुनना संतो, रूप रंग में भेद है, दृष्टि में भेद नहीं, दृष्टि एक है। शब्दों में भेद है, श्रवण शक्ति में भेद नहीं, वो एक है। विचारों में भेद है, मन एक है, मन में भेद नहीं। बुद्धि की समझदारी में भेद है, बुद्धि एक है। सजीव प्राणी में भेद है, लेकिन चेतना सब में एक है। फिर कोई भी सजीव प्राणी हो, उन सब की एक ही शक्ति है, और ये शक्ति जिसकी है वो एक है। इस प्रकार से केवलम में जब हम पहुंचना चाहते हैं तो इतना ही समझना है, अनेकता सत्य नहीं है, एक ही सत्य है। और इसके ऊपर खेलते रहो, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, मिड ले जाया चला गया, हम तो जो कहते हो आगे, अब समझदार को इशारा काफी है। देखो महाराज, ये भी निकल जाएगा। इसीलिए यदि आपने भगवद गीता को, वेदांत को इसका अध्ययन किया है, और यदि आपके मन में अपने मृत्यु की कल्पना भी यदि आती है, तो अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। मृत्यु असंभव है, किसी भी प्रकार से चिंतन करो आप। अजम एकम,
केवलम। फिर श्रीमन निवृत्तनाथेति ख्यातम, हमने जिसकी अभी बात बताई ना, मालूम है कौन है वो? वो हमारे गुरु महाराज श्री निवृत्तिनाथ महाराज है। ये जो चार भाई थे, भाई बहन, इनके बारे में साधु संत बताते हैं। पहले निवृत्ति, निवृत्ति माने अब निर्विचार स्थिति, जिस ज्ञान में वृत्ति नहीं होती वो शुद्ध चैतन्य है। अपना होना यह विचार नहीं है, अपना होना यह अनुभव है। और इसलिए अपने होने को मैं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं, दोनों भी व्यर्थ है। देखो, इसीलिए पहले निवृत्ति शुद्ध चिन्मय सत्ता, इस चिन्मय सत्ता की अभिव्यक्ति शुरू होती है ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, नॉलेज, चेतना। फिर तीसरे आते हैं सोपान, फिर सीढ़िया, और आखिरी है मुक्ता, लिबरेशन। तो श्रीमन निवृत्तिनाथे थी ख्यातम, तो ये जो परमात्मा है जिसका वर्णन हुआ है, ये कोई और नहीं, हमारे गुरु महाराज निवृत्तिनाथ है। और दैवतम आश्रये, वही हमारे लिए दैवत है, उसी की हम आश्रय लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये आश्रय कैसा है? ये आश्रय वैसा ही है जैसे लहर का आश्रय समुद्र होता है, समुद्र का आश्रय पानी होता है। तो लहर जब समुद्र को पानी या समुद्र को नमस्कार करने को गई तो गायब हो गई। तो असली नमस्कार वो है जिसमें हम नहीं बचते। ये याद आपको सुबह बात बताई, जब आप शांति को श्रवण करोगे तो शब्द का प्रभाव आप पर नहीं होगा। तो शब्द का होना एक है और शब्द का प्रभाव होना दूसरी बात है। देखो, जैसे हम बोल रहे हैं वो एक है, इससे प्रभाव होना दूसरी बात है। कितने महात्माओं को सुन के रख दिया है, आप ट्राई करो। तो श्रीमन निवृत्तिनाथेति ख्यातम दैवतम आश्रये, वही हमारा आश्रय है, अपना स्वरूप। इस प्रकार से उन्होंने पहले भगवान का, परमात्मा का गुरु रूप से स्मरण किया, उनके प्रति समर्पित हो गए। गुरु रित्याख्यया लोके साक्षात् विद्या ही शांकरी जयत्याज्ञा नमस्तस्य दयाद्रायै निरंतरम्। फिर आगे कहते हैं कि लोके इस दुनिया में गुरु इति आख्या आज्ञा, गुरु ने जो बताया है वही अंतिम शब्द है। आज्ञा माने अब इसमें कोई डिस्कशन नहीं, हमको कई बार याद नहीं रहता तो हम अपने अज्ञान को छुपाने के लिए लोगों को बड़ा प्यार से संबोधित करते, महात्मा जी चलो लेट हो रहे, स्वामी जी आप मुझे महात्मा मत किया करो, मैं कहा महात्मा हूं, ठीक है बेवकूफ चल। तो जब उनको महात्मा कहो तो अच्छा नहीं लगता, बेवकूफ कहा तो उनको समस्या होती है, इनको भी कैसे पता चला, सबको तो पता है। देखो, तो लोके इस दुनिया में गुरु नाम की कोई व्यक्ति नहीं है। कहते हैं साक्षात विद्या ही शांकरी, यही परमात्मा की विद्या है, शक्ति है। देखो, साक्षात विद्या ही शांकरी जयत्याज्ञा नमस्तस्य, और इसीलिए उनके प्रति समर्पण उसी का सब बोलबाला है। तो कहते हैं दयाद्रायै निरंतरम, और ये गुरु महाराज कौन है? ये दया से लिप्त है, दया से परिपूर्ण है। निरंतरम, जब तक हम अपने हृदय में स्थित गुरु को जागृत नहीं रखते तब तक के
हम अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। बाहर का आलंबन होता है, गुरु का निवास हृदय में होता है। और गुरु ये विद्या है, शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपने हरेक अनुभव से सीखना प्रारंभ करते हैं। बाहर और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, अपने अनुभूति से सीखो। तो यह जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या ही अब गुरु महाराज का रूप लेकर के हमारी जीवन में अवतरित होती है। और इसीलिए उस ब्रह्म विद्या को, उस गुरु महाराज को समर्पित होना माने उनका जो उपदेश है। देखो, गुरु महाराज का उपदेश क्या होता है? पानी लाओ, नहीं, उनका उपदेश होता है तत्वमसी। संगीत के जो गुरु होते हैं उनका उपदेश क्या होगा? सारे गा, उनका उपदेश होगा, बाकी का नहीं उपदेश, बाकी का नौकर का काम है। उपदेश केवल तत्वमसी का है। तुम अपने आप को पहचानो, तुम साक्षात परमात्मा हो। ये वही व्यक्ति शुरू करेगा, सुनेगा, जिसका संपूर्ण समर्पण हो। नहीं तो क्यों महाराज हमारे मजाक उड़ा रहे, हम कहां ज्ञानी है, हम तो अज्ञानी है। ठीक है, तुम बेवकूफ हो। एक बार विवेकानंद जब वो नरेंद्र थे, तब अपने गुरु महाराज से कहते हैं कि आपने मुझे बुलावा भेजा है, आप मुझे मिस कर रहे थे, तो आप तो मेरे आसक्त तो हो गए। महात्मा को तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आप मेरे से आसक्त तो हो गए, इसीलिए मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा कि देख, तुमने मुझे स्वीकार किया है अज्ञान के बल पर कि मैं ग्रेट हूं। तुम्हारे स्वीकृति में अज्ञान और संदेह, इसका मिक्सचर है। और मैं तुमको जानता हूं कि तुम कौन हो। सी द डिफरेंस? गुरु की दृष्टि और शिष्य की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये बात शिष्य को कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तलौटी पे बैठा है, गुरु ऊपर बैठा है। देखो, इसीलिए इस तत्व के उपदेश को ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन को, अपने आप को बदलना, यही आध्यात्मिक साधन है। बाकी का बाहर का कोई खास महत्व का नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति उसी में फंस जाता है और फिर उसका अभिमान होने लग जाता है। आप बड़े बड़े महात्माओं के पास चले जाओ, हम तो सीएच आत्मा है, इसीलिए कोई झंझट नहीं। बड़े महात्माओं के पास चले जाओ, वहाँ इनर सर्कल, आउटर सर्कल, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, और उसके बाद उसको पूछो, इसको पूछो, और वो उनमें भी फिर झगड़ा होते हैं। मैं तो 30-40 साल से जानता हूँ महाराज जी को। अच्छा, तुम जब पैदा नहीं होते तब से मैं जानता हूँ, तो तुमसे ज़्यादा बेवकूफ हूँ। इतना उसमें होता है, रे राम राम राम। उस पर भगवान शंकराचार्य के गले में रुद्राक्ष की माला थी, वो रियलाइज नहीं हुई, वही पड़ी थी। इसलिए यह गुरु महाराज और उसका उपदेश केवल एक ही होता है कि तुम साक्षात परमात्मा हो, बाकी का उपदेश नहीं, बाकी का काम धंधा है। अच्छा महाराज, सार्धम केन च कस्याधम शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम इति द्वैतच्छलान्मोहः। अब यहाँ बहुत महत्व का सिद्धांत बताते हैं। इस जगत के निर्माता जो है शिव शक्ति है, इसीलिए सार्धम केन च कस्याधम शिवयोः समरूपिणोः। शिवयोः दो है, शिव और शिवा। शिवा माने शक्ति पार्वती, और शिव माने शिव। इन दो में सार्धम केन च कस्यार्धम, इसमें आधा कौन है और आधा कौन है समझ भी नहीं आता।
दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, यह इसको कहते हैं तंत्र शास्त्र में परमात्मा के प्रतिपादन की प्रक्रिया। शाक्त में इस प्रकार से होता है, फिर अर्धनारी नटेश्वर, वैष्णव में होता है राधा कृष्ण। आपने राधा कृष्ण का वो फोटो देखा होगा जिसमें राधा जी कृष्ण जी एक दूसरे को चिपके हुए हैं और राधा जी पैर पर पूरा भार ले रही है और कृष्ण का पैर जो है वो ऊपर लटका हुआ है। वहां भी वो चालाकी खेल गया। और फिर एक हाथ मुरली पर उनका है, एक राधा जी का है, इसमें कौन किसका है समझ भी नहीं आता। देखो इसी प्रकार से यह जो शिव शक्ति है, शिव शक्ति का तात्पर्य अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, चीनी और उसकी मिठास, पुष्प और उसकी सुगंध, सूर्य और उसका प्रकाश। तो ये किसके कारण कौन है पता ही नहीं। मिठास के कारण चीनी चीनी है कि चीनी के कारण मिठास को रहने की जगह मिली। मिठास नाम की कोई वस्तु है क्या? दिखाओ मिठास वस्तु। मिठास का कोई आधार चाहिए ना। तो शिवजी परमात्मा सत्ता है और शक्ति चित उनकी शक्ति है, इसीलिए सच्चित। वेदांत में जिसको कहते हैं ब्रह्मा, उसके बाद माया की उपाधि से ईश्वर, फिर हिरण्यगर्भ महत्त्व की उपाधि से, और फिर वैश्वानर यह विराट की उपाधि से। तो एक ही परमात्मा को उपाधियों के कारण चार प्रकार से बताया गया। शब्द भिन्न है इस चिद्विलास शास्त्र में, जिसको कहते हैं परम शिव, फिर ईश्वर और फिर सदाख्य विद्या। यह कारणात्मक स्थिति है जगत की, अभी कार्य निर्माण नहीं हुआ। माने शादी हो गई, अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, तो कारणात्मक स्थिति। तो कहते हैं सार्धम कस्य कस्यार्धम शिवयो समरूपिणो ज्ञातुम न शक्यते लग्नम। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे है कि बड़ा डिफिकल्ट है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा आदमी के कारण पैदा हुआ है कि पत्नी के कारण पैदा हुआ है। दोनों की आवश्यकता है, दोनों अकेले में कुछ नहीं कर सकते। अल्ले सिवारे एमीबा। तो कौन किसके साथ है, किसका महात्म्य है, कितनी सरल बातें। देखो ज्ञातुम न शक्यते लग्नम इति द्वैत छलान मुमुः। और अगली महत्व की बात, द्वैत छल माने उन्होंने द्वैत का नाटक किया है, असल में एक ही है। शंकराचार्य के शब्दों में कहे तो माया शक्ति का जब वर्णन आता है, भिन्नम अभिन्नम उभयात्मिकानो, सद असन्नम उभयात्मिकानो, वो है भी नहीं भी है और दोनों भी है, भिन्न भी है भिन्न नहीं भी है दोनों भी है। देखो जैसे इसका विस्तार से विचार पंचदशी में आता है। अग्नि की दाहिका शक्ति, यदि लकड़ी में अग्नि है तो उसको उठाओ तो हाथ को जलना चाहिए, हाथ नहीं जलता। कारण क्या है? क्योंकि अग्नि की दाहिका शक्ति व्यक्त नहीं हुई। अच्छा, अब ये दाहिका शक्ति व्यक्ति हो गई तो ये जलाती है, ये कैसे पता चलेगा? उसको अपने हाथ में ले लो। तो क्या होगा? उस दाहिका शक्ति का प्रभाव आपके हाथ पर होगा और वहां एक फोड़ा आ जाएगा, फिर आपने हाथ निकाल लिया। अब ये ढूंढो वो दाहिका शक्ति कहाँ है। अग्नि में है तो अग्नि को क्यों नहीं जलाती, और जो कार्य है उस कार्य में कहां है दाहिका शक्ति? तो कार्यानुमेय, जो कार्य से ही जिसकी सिद्धि होती है वो परमात्मा की शक्ति है।
और ये अपने सबका रोज का अनुभव है। हम जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो केवल अपने सिम्टम्स बताते हैं, मुझे अमुक अमुक लक्षण है, उन लक्षणों से रोग का निदान होता है। इस प्रकार से परमात्मा की शक्ति केवल लक्षणों से बताई जाती है, इसीलिए बताते हैं इसलिए है, लेकिन अलग नहीं है इसलिए नहीं है। तो क्या है ये परमात्मा की शक्ति, है भी नहीं भी और दोनों भी। जैसे अंधकार ले लो आप या छाया ले लो, तो अपनी जो परछाया है वो है क्या? हाँ दिखती है, अभी स्पष्ट रूप से दिख रही है। अच्छा उस परछाए ऊपर से ट्रक चला गया तो तुमको कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? कुछ है ही नहीं वहां, अभी तो कहा था है। वो है भी नहीं भी और दोनों भी। तो जो परमात्मा की शक्ति है वो द्वैत छलात्मोह, केवल द्वैत का उसने एक छल किया है, माने झूठ फूट से ऐसा लगता है कि वो अलग अलग है। देखो असल में अलग नहीं है, जैसे आजकल के जमाने में पति पत्नी असल में अलग होते हैं। शादी होने के बाद क्या क्या गुजराती के टाइटल्स होते हैं, कोई लड़की समझो अलका पटेल शाह, माने पटेल घर का माँ के बाप का घर का नाम है, शाहपति के यहाँ है, फिर उसकी लड़की हो गई और उसकी शादी हो गई किसी माथुर के यहाँ, तो अलका पटेल शाह माथुर, फिर उसके बच्चे हो गए और उसकी शादी हो गई देशपांडे के यहाँ, अलका पटेल शाह माथुर देशपांडे। अपने आप को बेवकूफ बनाने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। ये जो स्त्रियों का झंझट है ना, हम अपने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को इसी से वो अपना सत्यानाश कर लेती है। जो समझदार है वो नौकरी नहीं करते, नौकर अपने हस्बैंड को नौकरी करने को लगाते हैं, लेकिन मदद करते हैं उसको खर्चा करने की। नहीं मुझे तो मजा करियर बनाना है। क्या करोगे करियर बना करके? देखो एक लड़की है, उसको मैंने कहा तू शादी कर ले यार। नहीं स्वामी जी, अनलेस आई मेक माय करियर। हमें तुम क्या, अभी तुम 26 साल के हो तो क्या 62 साल में ज्यादा शादी करोगी? और शादी किस लिए करनी है? दूसरे को बेवकूफ बनाने, अभी कर लो ना। इसीलिए अपने इस वैयक्तिक व्यक्तित्व को मिटा करके स्वरूप में निष्ठा होना, यही अध्यात्म का तात्पर्य है। इसके अगला विचार अगले सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।